व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। और गाइस, पूरे यूट्यूब पे ना आज तक आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग किसी ने नहीं सिखाया होगा, आपका भाई पहली बार सिखा रहा है, जिसके अंदर आपका भाई कुछ इस टाइप की कलर को ऐड करना बताने वाला है केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग ऐसे चुटकियों में कर लेगा। और 10% मैं लिख के देता हूं ना कि आप ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेंगे, तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो के एंड में आपका भाई कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग वन क्लिक में भी एडिट करना सिखा देगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेंगे, लेने के बाद इसकी शेयर के आइकन पर क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। तो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा, कोई भी भाई उस टाइप की फोटो एडिटिंग बहुत ही ईजी स्टेप में एडिट कर लेगा। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, साइड में आपको एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो सबसे पहले इसकी लाइट वाले आइकन पे क्लिक करके और इसकी हाईलाइट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -100 कर लेंगे, शैडो की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 36% कर लेंगे, वाइट्स की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 23% कर लेंगे, और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -18 कर लेंगे, और इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में यहां से हम लोग 10% कर लेंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग आप अच्छे तरीके से देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करते हैं तो आपकी फोटो एडिटिंग उस टाइप से एडिट नहीं हो पाएगी। तो सिंपल से आप लोगों का पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने अपनी फोटो की लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी फोटो की कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करने वाले हैं, और बहुत ही न्यू टिप्स आपका भाई बताया, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। तो उसके लिए सिंपल से हम लोग कलर्स के आइकन पे जाएंगे और जाने के बाद सबसे पहले इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 40% कर लेंगे, टिंट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -20% कर लेंगे, टेम्प की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 31% कर लेंगे, और इसकी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -4 कर देंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग आप अच्छे तरीके से देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। सिंपल से आप लोग को ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने ढेरों सारे कलर्स नजर आएंगे और इन्हीं कलर का यूज करके आपका भाई टोन को क्रिएट करने वाला है। तो आप यहां पे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सिंपल से आप लोग को यहां से ब्लू कलर को सिलेक्ट करना होगा, इसकी सैचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा, इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट कीजिएगा, इसकी भी सैचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। सिंपल से आप लोग को इसके बाद कुछ भी नहीं करना होगा, आपको यहां से ग्रीन कलर को लेके इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -31% कर दीजिएगा, सैचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा, और सिंपल से आप लोगों को यहां से येलो कलर को सिलेक्ट करना होगा। और कर लेने के बाद वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिएगा, वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। येलो कलर को लेने के बाद इसकी भी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -37 कर देंगे, सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -100, और इसकी ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100। और सिंपल से हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी फेस वाले कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज करके -41 कर लेता हूं, और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 28%। सिंपल से रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज करके 34% करके और डन क्लिक कर देंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आप इतना सारा काम कर लें तो एक स्टेप और आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट फोटो एडिटिंग हो जाएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सिंपल से आप लोग क्या कीजिएगा ना, मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे ऐसे क्लिक कर लीजिएगा और आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि शैडो और मिड टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो हम लोग शैडो में आके और क्या करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके हम लोग -41 कर लेंगे, ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 100% और इसकी बैलेंस को वैल्यू को ऐसे डिक्रीज करके -38 कर लेंगे। सिंपल से ऐसे ऊपर आएंगे और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से इसे ना हम लोग ब्लू साइड में कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ब्लू साइड में करके इसकी ह्यू की वैल्यू 229 रखिएगा और सिचुएशन को यहाँ पे 21%। सिंपल से आप लोग क्या कीजिएगा ना, हाईलाइट
राइट वाले में आइएगा और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से घसीट के ना थोड़ा सा हम लोग ब्लू साइड में करेंगे। इसकी भी ह्यू की वैल्यू 226 रखिएगा और सेचुएशन को यहाँ पे 9% और सिंपल से आप लोग डन क्लिक कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग करते ही गाइस ना आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप ये चाहते हैं ना कि आप अपने बैकग्राउंड में येलो टोन को वन क्लिक में ऐड करना, तो आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, आपका भाई ये भी बताने वाला कंप्लीट ये फोटो एडिटिंग होने वाला, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। उसके लिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे। कर लेने के बाद इसकी विग्नेट की वैल्यू हम लोग ऐसे कम करके -46 कर लेंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू भी ऐसे हम लोग कम करके 21% कर लेंगे, क्लियरिटी की वैल्यू डिक्रीज करके -8 कर लेंगे, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके 8% कर लेंगे प्लस साइड में, डीआईएस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 8% कर लेंगे प्लस साइड में। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल से आप लोगों का अगला स्टेप क्या होने वाला है ना, अपनी फोटो के अंदर कैसे आप डिटेल्स को ऐड करेंगे ये भी आपका भाई बता दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स के आइकन पे जाएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 38% कर लेंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 51%, देन दोस्तों नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 24% और इसकी कलर्स वाइज रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 27% कर लेंगे, स्मूथनेस को 100% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। येलो टोन आप अपने बैकग्राउंड में कैसे ऐड करेंगे आगे आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। येलो टोन को ऐड करने के लिए सिंपल से आपको ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर आना होगा, आने के बाद इसकी मास्किंग के आइकन पे क्लिक करना होगा, प्लस के आइकन पे ऐसे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, आने के बाद कलर रेंज के आइकन पे ऐसे क्लिक कर लीजिएगा, आप लोग के सामने कलर पीकर का आइकन मिल जाएगा, तो इसे आप लोग ऐसे पकड़ के बैकग्राउंड पे ऐसे रख दीजिएगा। रख लेने के बाद इसकी रिफाइन की वैल्यू आप लोग ऐसे कम कर लीजिएगा, मैं भी इतना कर लेता हूं, और कर लेने के बाद सिंपल से मैं अप्लाई क्लिक कर दूंगा, कलर्स के आइकन पे ऐसे क्लिक करूंगा, और कर लेने के बाद मैं इसकी सिचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर लूंगा, इसकी टेम्प की वैल्यू भी इंक्रीज करके 100% कर लूंगा, और इसकी टिंट की वैल्यू ना ऐसे मैं पूरा डिक्रीज करके -100 कर दूंगा। और सिंपल से गाइस ऐसे मैं नीचे आऊंगा, कलर एच का एक ऑप्शन मिलेगा, तो मैं ऐसे इसे पकड़ के ना थोड़ा सा यहाँ पे येलो साइड में कर देता हूँ, और कर लेने के बाद मैं राइट क्लिक कर दूंगा, और ये सारी सेटिंग करते ही ना ऑल्टो वाला आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को अगर आप वन क्लिक में एडिट करना चाहते हैं, तो मैंने इसी फोटो का प्रीसेट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से प्रीसेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस फोटो को फुल एचडी में सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।